क्या 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का जलवा कायम रहने वाला है? क्या 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने हारे हुए गढ़ पर दोबारा कब्जा कर लेगी? एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे के सामने आने के बाद ये सवाल लगातार बने हुए हैं। दरअसल देश भर में सभी सियासी पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी हैं। सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लेकर सभी विपक्षी दल एड़ी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। इसी बीच एबीपी न्यूज सी वोटर के हालिया सर्वे में आजमगढ़ को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में अनुमान है कि आजमगढ़ में बीजेपी को जोरदार झटका लग सकता है और उपचुनाव में सांसद बने निरहुआ की सीट पर चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के अनुसार आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव अपनी सीट को हार सकते हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के हालिया सर्वे की माने तो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की सीट खतरे में है। वहीं इस सीट पर समाजवादी पार्टी जीत का झंडा गाड़ सकती है, यानी अखिलेश यादव फिर से यहां चुनाव जीत सकते हैं। मालूम हो कि साल 2019 में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद साल 2022 में विधानसभा चुनाव में करहल सीट से जीते और फिर विधायक भी बन गए। विधायक बनने के बाद अखिलेश यादव ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट खाली हो गई और फिर यहां पर हुआ उपचुनाव। आजमगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव ने इस सीट से अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को उतारा था, लेकिन उनका दांव फेल हो गया था। समाजवादी पार्टी को अपने ही गढ़ में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ ने बंपर जीत दर्ज की, लेकिन अब एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक ये सीट बीजेपी के लिए खतरा साबित हो सकती है। यहां से दिनेश लाल यादव को हार का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि निरहुआ को पहले भी बीजेपी अखिलेश यादव के सामने चुनाव में खड़ा कर चुकी है। अगर इस बार भी दोनों आमने सामने होते हैं तो एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे के अनुसार बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आजमगढ़ में प्रत्याशी कौन रहेंगे और जीत किसकी होगी। लेकिन फिलहाल एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे के मुताबिक समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।